जम्मू के बहु प्लाजा एरिया में हम इस समय मौजूद हैं और अगर आप बहु प्लाजा की ओर आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि आप जो है अपना रूट बदल लें। अगर आप अपना रूट नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। फिलहाल जम्मू के बहु प्लाजा एरिया से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल्स में कहीं पर दवाई की दुकान पर दवाई लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में आपका वहाँ पर जो है वो चालान काट दिया जाता है, लेकिन ना जाने बहु प्लाजा में ऐसा क्या है कि यहाँ पर इतनी देर से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और सुध लेने वाला कोई नहीं है और दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिक विभाग का कर्मी यहाँ पर जो है वो देखने को नजर नहीं आ रहा। आगे भी जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वाकई में यहाँ पर जो है वो कोई है भी या नहीं है। फिलहाल जगह जगह पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की रॉन्ग पार्किंग यहाँ पर की गई है, और अगर आप बहु प्लाजा से गांधीनगर की ओर जाना चाहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन की ओर जाना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके अपना रास्ता बदल लें, नहीं तो आप लोगों को भी इस जाम का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस भी यहां पर जो है वो नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम यहां पर लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है जो एक दो ट्रैफिक पुलिस के कर्मी यहां पर हैं उनके द्वारा के जाम को खुलवाया जाए, लेकिन बदकिस्मत यह है कि ट्रैफिक पुलिस भी इसमें पूरे तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से अगर आप किसी भी दवाई की दुकान पर अगर कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं तो आपका वहां पर चालान काट दिया जाता है, आपकी गाड़ी को उठा लिया जाता है, लेकिन यहां पर आखिरकार ट्रैफिक पुलिस की वो आंखें कहां पर गायब हैं। सर यहां पर आपकी ड्यूटी है? जी सर। डीटीआई साहब कौन है आपके? डीटीआई साहब क्या नाम है उनका? सर बताएंगे आप थोड़ा, यहाँ पे इतना लंबा जाम, इतना लंबा जाम सर यहाँ पर लगा हुआ है सर, इतना लंबा। नहीं नहीं सर, आगे 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 निकालो गाड़ी, इधर जाम। सर यहाँ पे आपके डीटीआई साहब कौन है? डीटीआई साहब है ही नहीं यहाँ पे। नहीं सर अभी नहीं, उनकी पोस्ट खाली है। नहीं सर। तो यहाँ पे इनके ये गाड़ियाँ इतनी ज्यादा रॉन्ग पार्क की गई हैं, क्या वजह है कुछ बताएंगे आप? सर बताएंगे, ऐसे अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है उसका चालान काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गाड़ियाँ उठवा ली जाती हैं। इधर भी तो जाम लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या वजह है इतना लंबा है? वो गाड़ियां लग रही हैं, इनकी चलती चलती गाड़ियों के फोटो क्यों खींच रहे? वो तो चल रहे हैं, यहाँ पे जो गाड़ियां पार्क की गई है इनको देखे ना, वो तो चल रही है ना गाड़ियां, ड्राइवर गाड़ी में आप उसके फोटो खींच रहे हैं, कहाँ खींच रहे हैं फोटो? गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, आप फोटो खींच रहे हैं, जो इधर अंदर ला रहे हैं ना गाड़ी, गाड़ी का निकाल रहे हैं, नहीं गाड़ी जा रही है, आप चालान काट रहे हो, नहीं खींचा, कौन सा चला, आप फोटो खींच रहे हैं सर, गाड़ी जा रही है, आप फोटो खींच रहे हैं, चलती गाड़ी का, चलती गाड़ी का कौन सा काटा मैंने? नहीं चलती गाड़ी का नहीं, अलग इसी किसी का नहीं, आपने खींचा, आप दिखाएं, आप दिखाएं, आप अपने पर्सनल फोन में फोटो खींच भी नहीं सकते हैं सर, कानून के मुताबिक आप पर्सनल फोन में किसी भी गाड़ी का फोटो खींच, ये डिलीट कर रहे हैं सर, आप डिलीट कर रहे हैं सर, ये क्या फाइल आप डिलीट कर रहे हैं? ये चलती गाड़ी का फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, काफी हैरानगी की बात है कि किस तरह से चलती गाड़ियों के फोटोज यहाँ पर खींचे जा रहे हैं। जो गाड़ियाँ पार्क हैं उन पर तो इनकी नजर नहीं पड़ रही, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके फोटो खींचा। भाई साहब इतने क्यों बुखलाए हैं आप, इतने क्यों बुखलाए हैं? कौन से साहब है मुझे बताएं, जरा SHO साहब कौन से SHO साहब है? ये एरिया कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये एरिया पाया जाता है? ये हाल है जनाब जम्मू की ट्रैफिक पुलिस का कि अब चलती गाड़ियों के फोटो खींचे जा रहे हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान कर देती है, उसकी गाड़ी को उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर हैरानगी की बात ये भी सामने आई है, लंबा जाम यहाँ पर लगा था और हमारा कैमरा ऑन होने के बाद ट्रैफिक पुलिस के कर्मी इतने बौखला गए कि चलती गाड़ियों के फोटो खींचने लगे। आखिरकार ये जम्मू में हो क्या रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी हमारी किस दिशा की ओर जा रही है? जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ नहीं की जा रही है, लेकिन जो बेचारे लोग आम सफर यहाँ से अपना तय कर रहे हैं उनके फोटो खींचे जा रहे हैं। मैम किया भी उन्होंने फोटो आपका डिलीट? सर पहले तो देखा नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने किया डिलीट ही नहीं किया, फोटो तो खींचा हमारे कैमरा में आया हुआ है आपकी गाड़ी का, ऐसा न हो कि आपका चालान आ जाए थोड़ी देर बाद, ये कैसे हो सकता
करता, मेरा भाई वकील है, अगर करते हैं तो हम बताएंगे, वीडियो आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल लाइव चला है, लाइव चला है जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो काफी हैरानगी की बात है कि काफी लंबा जाम इस समय यहाँ पर लगा हुआ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आ रही है। और बहु प्लाजा से इस समय की ये तस्वीरें हैं, आप जनता वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने राय भी इस पर जरूर साझा कीजिएगा कि आखिरकार ये जम्मू में जो है वो ये किस तरह के कानून यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पहले तो फोटो खींच देते हैं और बाद में ऑन कैमरा आपने देखा कि किस तरह से फोटोज को जो है वो यहाँ पर डिलीट भी किया गया है। सर आपने फोटो डिलीट कर दिए उनके, अब फोटो डिलीट सर लाइव है, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसे बात कर रहे ना सर। तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पूरे ऐसे मैं बोलूंगा आप बोलेंगे मेरी वर्दी के साथ हाथ लगा ली, इसलिए मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ ना। मुझे क्यों तंग कर रहे हैं सर? आपको मैं तंग कर रहा हूँ? आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आपको पूछेगा कोई तो वो आप तंग हो गए ना। एक महिला का आपने चलती गाड़ी का चलान काट दिया और आपको वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने फोटो खींचे उनके, हमने कोई चलान नहीं, आपने फोटो तो खींचे ना, होगा इनका बताना, आपने फोटो तो खींचे ना इनके पाने, अलग से मैंने किसी का चलान नहीं, आपने फोटो मेरे सामने डिलीट किए, उनके सामने फोटो डिलीट किया आपने? नहीं सर मैंने कोई चलान नहीं किया, मैंने कहा किया? मैडम आपके सामने फोटो डिलीट किए, इन्होंने नहीं किए सर, ये कर रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता नहीं, अलग से मैंने नहीं किया चलान, आपका कौन सा चलान? आप ये कह रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मतलब पूछने पर परेशान होंगे अगर कोई पूछे। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप स्नैप खींच रहे हैं? क्या मैंने जान निकाल रहे हैं सर यहाँ, आपका कैमरा कहाँ पे है? यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कैमरा दिया गया, उसमें वायलेशन कैद होती है, आपका कैमरा कहाँ पर है? शब्बीर अहमद आपका नाम है, आपका कैमरा कहाँ पर है शब्बीर साहब? आपको कैमरा दिया गया ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कैमरे दिए गए हैं ताकि अगर कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिला है, नहीं मिला, चलिए जी गरीबी होगी होगी इसलिए कैमरा नहीं मिला होगा, बहुत गरीबी छा गई हमारे ट्रैफिक पुलिस में कि अब इनको कैमरे भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के चलान यहाँ पर चलती गाड़ियों के काटे जा रहे हैं, ना जाने अब किस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं, कौन सा कानून का पाठ इन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। लेकिन काटते हैं हमें, आप फोटो तो खींच रहे हैं ना शब्बीर साहब, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सारा लाइव मैं जनता देख रही है, मैं झूठ नहीं कह रहा, जनता देख रही है। चलान काटे सर आपने? नहीं सर, फोटो तो खींचा है ना? नहीं सर फोटो कहाँ उठाया जो यहाँ राम राम, आपने फिर डिलीट क्या किया फोन से? नहीं सर हमने किसी का चलान, आपने डिलीट किया नहीं किया, झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? हमने कोई सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन तो ट्रैफिक पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, खासकर एसएसपी जम्मू से हमारी ये ट्रैफिक के जो भी हैं, उनसे हमारी अपील है कि इस तरह के लापरवाही करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा आप देख सकते हैं गाड़ियां पीछे रांग पार की गई हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं और खामोश तमाशा बनकर यहाँ पर नजारा देख रहे हैं। जिन लोगों का चलान होना चाहिए उनका नहीं किया जा रहा, और जिनका होना चाहिए उनका जो है वो, जिनका नहीं होना चाहिए उनका जो है वो किया जा रहा है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार ये जम्मू में चल क्या रहा है, आखिरकार किस तरह के कानून यहाँ पर जो है वो अपनाए जा रहे हैं। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद जय भारत।